वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग पीबी शैली की एक बहुत ही पॉपुलर पोयम ओड टू द वेस्ट विंड के सेक्शन 5 या फिर कैंटो 5 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के चारों सेक्शन या कैंटोस के वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी गई है, जिसे आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। पोएट लिखते हैं, मेक मी दाय लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। पीबी शैली वेस्ट विंड से कहते हैं कि तुम मुझे अपना वाद्य यंत्र बना लो जैसा कि फॉरेस्ट है। दाय एक आर्किक वर्ड है जिसका मतलब होता है तुम्हारा, और लायर का मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर वाद्य यंत्र। यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जिस तरह से फॉरेस्ट एक वाद्य यंत्र है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वेस्ट विंड के लिए, वैसे ही तुम मुझे बना लो। आपको पता होगा कि जब बहुत ही तेज हवा चलती है तो फॉरेस्ट के पेड़ पौधों से जब पत्तियां वेस्ट विंड टकराती है तो किस तरह का मधुर संगीत उत्पन्न होता है। और ये मधुर संगीत इसलिए ही उत्पन्न होता है क्योंकि फॉरेस्ट एक वाद्य यंत्र की तरह है हवाओं के लिए। आगे बीबी शैली कहते हैं, वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। तो क्या हुआ यदि मेरे पत्तियां झड़ रही हैं, जैसे कि फॉरेस्ट के भी झड़ते हैं ऑटम सीजन में। इसके पहले वाले सेक्शन में कैंटो 4 में पॉइंट ने बताया है कि किस तरह से वे खुद को पाते हैं कि लाइफ के कांटों में वो गिर पड़े हैं। वही यहाँ पर कह रहे हैं क्या हुआ अगर उनकी पत्तियां गिर पड़ी है, जैसा कि फॉरेस्ट के भी गिरते हैं ऑटम सीजन में। द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनीज will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness. Tumult means होता है शोर, thy means तुम्हारा, mighty means होता है शक्तिशाली, harmonies means होता है धुन या फिर धुनों का। Poet कहते हैं तुम्हारी शक्तिशाली धुनों की आवाज will take from both, वो ले लेगा दोनों से। यहाँ पर दोनों कहा गया है west wind और poet को। क्या ले लेगा तो अ डीप एक गहरा, ऑटम्नल टोन मतलब कि पतझड़ की आवाज, स्वीट दो इन सैडनेस जो कि सैडनेस में भी मधुर होगी। सैडनेस क्यों है, क्योंकि एक तो पॉइंट पहले ही बता चुके हैं कि वो खुद को पाते हैं कि वे लाइफ के कांटों में गिरे पड़े हैं और ऑटम के सीजन में पत्तियां झड़ती हैं, आपको पता ही होगा। तो दोनों ही सैड हैं, सैडनेस में है, फिर भी दोनों से मधुर आवाज ही निकलेगा। Be thou spirit fears my spirit। पीवी शैली वेस्ट विंड से कहते हैं be thou तुम बन जाओ, जो कि spirit fears हो, एक भयानक आत्मा हो, तुम क्या बन जाओ, my spirit मेरी आत्मा बन जाओ। Be thou me तुम मेरे बन जाओ या मुझ में समा जाओ। Impetuous one, impetuous उसके लिए यूज होता है जो कि तुरंत काम करे, क्विकली काम करे, तो कहते हैं तुम impetuous one बन जाओ। नेक्स्ट लाइन है, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्वेकन अ न्यू बर्थ। पीबी शैली वेस्ट विंड से कहते हैं कि तुम मेरे डेड थॉट्स को यूनिवर्स तक फैला दो, ले जाओ मेरे डेड थॉट्स को लाइक विदर्ड लीव्स, जैसे कि तुम ले जाती हो मुरझाए हुए पत्तियों को, टू क्वेकन अ न्यू बर्थ एक नया जन्म देने के लिए। पहले वाले कैंटो में पॉइंट ने बताया था किस तरह से वेस्ट विंड पत्तियों को ले जाती है और उसके बाद और फिर स्प्रिंग सीजन में नए पत्तियों का जन्म होता है। कैंटो 1 में ही पॉइंट ने बताया था कि किस तरह से वेस्ट विंड मुरझाई हुई पत्तियों को ले जाती है और फिर बाद में नई पत्तियां उगती है। एंड और बाय द इनकैंटेशन ऑफ दिस वर्ड, इनकैंटेशन मीन्स होता है मंत्र का उच्चारण। पॉइंट कहते हैं और इस वर्ड्स का, इस काव्य का मंत्र का उच्चारण करके, स्कैटर मतलब कि फैला दो, एस फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हार्थ, अनएक्सटिंग्विश्ड मीन्स होता है जो बुझा हुआ नहीं हो, और हार्थ मीन्स होता है चूल्हा, मतलब कि पॉइंट कहते हैं कि जैसे कि बिना बुझी हुई चूल्हों की, एशेस एंड स्पार्क्स, एशेस मीन्स राख होता है और स्पार्क मीन्स होता है चिंगारी। पॉइंट कहते हैं वेस्ट विंड से कि जिस तरह से तुम बिना बुझी हुई चूल्हे से राख को उड़ा ले जाती हो, राख को भी फैला देती हो, वैसे ही आगे कहते हैं माय वर्ड्स अमोंग मैनकाइंड, वैसे ही फैला दो मेरे वर्ड्स को
पूरे मानवता में, बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ। अब पी विशाली वेस्ट विंड से कहते हैं कि बन जाओ मेरे लिप्स के थ्रू सोई हुई अर्थ के। अब क्या बनना है, ये अगली लाइन में है, द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। प्रोफेसी मीन्स होता है फ्यूचर और ट्रम्पेट मीन्स होता है शंखनाद। तो वेस्ट विंड से पी वी शैली कहते हैं कि मेरे लिप्स के थ्रू तुम इस सोई हुई धरती के शंखनाद बन जाओ, भविष्य का शंखनाद करो। ओ विंड, ओ हवा, इफ विंटर कम्स, अगर सर्दी आती है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या स्प्रिंग दूर रह सकती है? इसका आंसर है नहीं। विंटर आने के बाद स्प्रिंग सीजन आना दूर नहीं होता है। आई होप कि आपको कैंटो 5 भी समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।